गुड मॉर्निंग। तो बायोलॉजिकल विद मंडी इसमें आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट हार्मोन के बारे में, और ये प्लांट हार्मोन की थर्ड वीडियो है। और इसमें हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन के बारे में। पहले हमने ऑक्सिन और जिब्रेलिन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, प्लांट हार्मोन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से काफी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो चलिए ध्यान से समझते हैं साइटोकाइनिन को। पहले डेफिनेशन को देखते हैं। साइटोकाइनिन क्या होता है? साइटोकाइनिन एक प्लांट हार्मोन होता है, मतलब कि प्लांट के अंदर बनता है एक हार्मोन है जो कि पर्टिकुलर एक काम करेगा। तो ये क्या काम करता है? तो ये इंड्यूस्ड करता है सेल डिवीजन को इन ए प्लांट, और ये साइटोकाइनिन का भी जो होता है काम करता है। तो ये क्या करता है? सेल को डिवाइड कराने में हेल्प करता है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्लांट हार्मोन में जो साइटोकाइनिन है ये क्या करता है? सेल डिवीजन कराने में हेल्प करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ऑकरेंस ये किस तरीके से पाया जाता है। प्लांट के अंदर ये केमिकल होता है जो कि फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है और बाउंड स्टेट में भी पाया जा सकता है। फ्री स्टेट में ये जो होता है पर्टिकुलर वही केमिकल होगा और बाउंड स्टेट में किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, तो जिसके कारण इसकी फंक्शनल प्रॉपर्टी भी जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो यहां से आपके जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पे थोड़े ध्यान से सुननी है कि जो साइटोकाइनिन होता है उसकी ऑकरेंस फ्री फॉर्म में भी होती है और बाउंड फॉर्म में भी होती है। फ्री फॉर्म में ये किसके अंदर पाया जाता है? तो आपको याद रखना कि ब्राउन और रेड एल्गी जो होता है अगर आप उसके अंदर से साइटोकाइनिन निकालते हैं तो ये किस में पाया जाता है? फ्री स्टेट में पाया जाता है। और अगर आप देखते हैं कि प्लांट में ही कहाँ पाया जाता है तो ये यंग फ्रूट्स जो होते हैं, एंडोस्पर्म जो होते हैं और एम्ब्रायो जो होते हैं और जो जर्मिनेटिंग सीड्स जो होते हैं उनके अंदर साइटोकाइनिन पाया जाता है। अब बात करते हैं बाउंडेड स्टेट की। जो बाउंडेड स्टेट होती है वो प्लांट के अंदर जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर मेनली पाया जाता है। अब बाउंडेड स्टेट जो होती है अगर उसको आप जानते हैं तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि जो बाउंडेड स्टेट है वो टीआरएनए को मेंटेन कराने में या टीआरएनए से बाउंडेड जो है वो रहती है। तो ये बात आपको यहाँ पे क्या करनी है? याद करनी है कि बाउंडेड स्टेट होती है नहीं होती? होती है तो किसके साथ बाउंड होता है? तो यहाँ पे साइटोकाइनिन किसके साथ बाउंड होता है? टीआरएनए के साथ बाउंड होता है। उसके अलावा साइटोकाइनिन को डिग्रेड भी किया जा सकता है, मतलब ये खत्म भी हो सकता है एक एंजाइम के द्वारा जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन शो करता है। और वो कौन सा एंजाइम है? तो वो है साइटोकाइनिन ऑक्सीडेज एंजाइम। तो यहां से भी आपका क्वेश्चन बनता है, तो ये भी बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब साइटोकाइनिन जो होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल को देख के हमने आर्टिफिशियल बना लिया, तो आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी। तो नेचुरल के कुछ एग्जांपल आपको याद करने पड़ेंगे। तो भी क्या होता है? सिस जीटीन होता है, डिहाइड्रोजीटीन होता है, ये नेचुरल होते हैं। और अगर आप आर्टिफिशियल को देखते हो तो आर्टिफिशियल में एडेनिन होता है और कैनेटीन जो होता है ये क्या होता है? आर्टिफिशियल साइटोकाइनिन होते हैं। उसके अलावा अगर आप फ्री स्टेट में देखते हो साइटोकाइनिन तो इसका फंक्शन क्या होता है? जो फ्री स्टेट में साइटोकाइनिन होता है वो टीआरएनए को बनाने में हेल्प करता है। जब टीआरएनए बन जाता है तो वो बाउंडेड मतलब उसके साथ जुड़ जाता है साइटोकाइनिन के साथ, और साइटोकाइनिन कैसा हो जाता है? बाउंडेड फॉर्म में। और उस वक्त वो अपना फंक्शन चेंज कर लेता है, और वो फंक्शन क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करने का और एंजाइम को बनाने का। तो यहाँ पे ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद फंक्शन की तरफ चलते हैं। अगर आप साइटोकाइनिन के फंक्शन जानना चाहते हैं तो देखिए इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। बच्चे क्या करेंगे? सिंपल इसको याद कर लेंगे किस तरीके से इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, कि साइटोकाइनिन जो होता है वो सेल डिवीजन को इनिशिएट कराने में हेल्प करता है। मगर क्वेश्चन यहाँ से थोड़ी आएगा, क्वेश्चन आपका आएगा कि इसका यूज क्या करते हैं हम। तो आप बताएंगे भाई इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हम जब टिश्यू कल्चरिंग करते हैं तो सेल को ग्रो करा के जब हम कैलस बनाते हैं तो कैलस बनाने के लिए जो कैलस स्टिमुलेट हो रहा है जल्दी से वहां पे वो किस कारण से हो रहा है? वो साइटोकाइनिन के कारण हो रहा है, क्योंकि वहां पे सेल डिवीजन क्या हो गई है? फास्ट हो गई है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस क्वेश्चन को दिया जाता है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद सेल इनलार्जमेंट, ये सेम ऑक्सिन ग्रेविलिन और मतलब बाकी दोनों हार्मोन्स की तरह ही क्या करता है? सेल को इनलार्ज कराने में हेल्प करता है। तो मेनली इससे क्वेश्चन कम ही आता है आपका। फिर ये क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाता है जो, क्योंकि ये इससे क्या है? कनेक्टेड है। तो कई बार जो है आपसे पूछ लेते हैं कि डिले ऑफ सेंसिएशन जो होता है कौन कराता है, तो आपका कौन कराता है? साइटोकाइनिन कराता है। किस तरीके से कराता है? तो उसमें आपका ये दोनों जो होता है क्लियर हो जाता है। कैसे? कि जो साइटोकाइनिन है वो क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को क्या करता है? स्टिमुलेट कर देता है। क्लोरोप्लास्ट के बनने को क्या कर देगा? तेज कर देगा, जिसके कारण वो हमेशा क्या रहेगा? ग्रीन रहेगा और वो सेंसिएशन की तरफ नहीं जाएगा।
तो ये यहाँ पे आपको क्या है ध्यान रखना है। और ये मेनली जो क्लोरोप्लास्ट की सिंथेसिस है उसको फास्ट किसके अंदर करते हैं, तो जो मैच्योर सेल होते हैं, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है, कैलस के जो सेल होते हैं मेनली, उनके अंदर जो है ये ऐसा करते हैं। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस की। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि बायोसिंथेसिस मतलब ये कैसे बनता है, उसमें मेनली आपके पास दो तीन ही क्वेश्चन बनते हैं जो आ सकते हैं। एक तो ये कि इसका प्रीकर्सर जो है वो क्या रहेगा। अब प्रीकर्सर जो था वो जिब्रेलिन का, जब अगर पढ़ रहा हो तो वो क्या था, सेम था, एसीटेट था, एसीटल कोए का, और यहाँ पे भी है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको क्या बताना है, ये बताना आइसोपेंटेनल पाइरोफॉस्फेटेज, ये भी बता सकते हो आप, एसीटेट भी बता सकते हो। तो ये मेनली तो एसीटेट ही इसका क्या होता है, प्रीकर्सर होता है, और आगे चल के इसका पाथ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके कारण ये क्या बनता है, जिटिन बनता है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि, और अगर आप बीएससी के स्टूडेंट है, 12th क्लास के स्टूडेंट है, तो ये आपके पास लिखने के लिए भी आ जाता है, तो आपको इसको याद रखना। ये बायोसिंथेसिस, इसमें आप बताएंगे कि एसीटेट होता है वो क्या करता है, वो बनाता है मेलवनिक एसिड को, उसके बाद वो फॉर्म करता है आइसोपेंटेनाइल पाइरोफॉस्फेटेज, उसके बाद वो बनाता है आइसोपेंटेनाइल एडिनोमोनोफॉस्फेट, उसके बाद बनता है आइसोपेंटेनाइल आइसोपेंटेनाइल एडिनिन, और उसके बाद क्या बन जाता है, जिटिन बन जाता है। तो इस तरीके से क्या होती है, इनकी बायोसिंथेसिस होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा है साइटोकाइनिन को। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड रह गया है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।